कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। किसान संगठनों का ये भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है जो शाम 4 बजे तक चलेगा। वहीं किसानों के बंद को लेकर यूपी सरकार ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। किसान संगठन के आंदोलन की वीडियोग्राफी होगी। वहीं बंद के चलते किसी को परेशानी ना हो इसको लेकर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं किसानों के बंद के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ाई गई है और किसानों के बंद के चलते यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से ट्रैफिक बंद हो गया है। आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद को सपा और बीएसपी का समर्थन मिला है। अरुण चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है? उत्तर प्रदेश में क्या जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जाम की व्यवस्था यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल कोमल, जिस तरह से मोनिका आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे तक का भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन इसमें जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं पिस्ती जरूर नजर आ रही है। मैं इस समय दासना ईस्टर्न पेरिफेरल पर मौजूद हूं, क्योंकि जो रूट डाइवर्जन गाजियाबाद पुलिस की तरफ से कर दिया गया था, जो कुछ लोग रूट डाइवर्जन करके जो जिनको हापुड़ मेरठ और पलवल जाना है या इस ईस्टर्न पेरिफेरल का जो ये इस्तेमाल करना है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसको भी फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। तो आम जनता बिल्कुल इसमें पिस्ती नजर आ रही है। ठीक है, किसानों का धरना चल रहा है पिछले 10 महीनों से, गाजीपुर बॉर्डर उन्होंने बंद किया हुआ है, वहाँ पर जो है किसान अपना टेंट लगा के बैठे हैं। हम इस बात को भी मना नहीं कर सकते मोनिका के किसान गलत जगह बैठे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठे हैं। लेकिन जब आपकी तीन मांगों को जो आप वापसी चाहते हैं, तीन किसान बिल को, जब आपकी कई बार 10 से 12 बार आपकी वार्ता हो चुकी है और आपकी बात का कोई निवारण नहीं निकल पा रहा है, तो आप केंद्र सरकार से बात कीजिए। इस तरह से रोड बंद कर देना, जाम लगा देना, भारत बंद का आह्वान कर देना, यानी आम पब्लिक पर जो इसकी दोहरी मार पड़ रही है, ये कहाँ तक जायज ठहराई जा सकती है मोनिका? बिल्कुल, और यहाँ पर अरुण ये भी देखा गया कि कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से भारत बंद करके और साथ ही साथ यहाँ पर जाम की व्यवस्था, जाम की स्थिति पैदा करके कुछ नहीं होगा, जरूरी है कि आप हमसे बात करें। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि किसान हमारे पास आए और वो हमसे बातचीत करें। तो यहाँ पर समस्या आखिर कहाँ नजर आ रही है? किसान कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं कर रही है और सरकार लगातार बातचीत का यहाँ पर बातचीत के लिए कह रही है। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आप हमसे बात कीजिए। देखिए मोनिका, बिल्कुल साफ सी बात है कि पिछली जो वार्ताएं हुई हैं, लगातार वार्ताओं में जो किसान नेता हैं उन्होंने भी कहा था कि एक कदम हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, एक कदम पीछे सरकार हटाए, यानी कि बात जो है ये सारी बात आके अटक जाती है हठधर्मी पर, यानी हठधर्मी किसानों की तरफ से जो की जा रही है कि नहीं, हम किसान जो कानून है उनको वापसी करवा कर ही मानेंगे, तो वापसी का तो कोई प्रावधान इसमें दिख नहीं रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से विपक्ष लगातार, विपक्ष के पास इस समय उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो धरातल पर तो कुछ है नहीं, तो ये एक किसानों की आड़ में भी ये विपक्ष राजनीति जरूर करता नजर आ रहा है। आम जनता को ये इतना जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका भी जवाब विपक्ष को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो विपक्ष भी किस मुंह से जनता के पास जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार भारत बंद का आह्वान कर रहा है, बाजारों को बंद करवाने का आह्वान कर रहा है, स्कूलों को बंद करवाने का आह्वान कर रहा है। तो सरकार जो अपना काम कर रही है, सरकार बात की चीज के लिए भी तैयार है, कृषि कानून पर फिर से चर्चा के लिए तैयार है, संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन जो भारत बंद का इन्होंने आह्वान का जो एकदम से कर दिया है, क्योंकि अब से पहले भी ये कई बार भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं, उसमें भी आम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मोनिका, एक बात बिल्कुल मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से इस समय जो लोगों का आम जीवन है वो पटरी पर आया है, क्योंकि पिछली बार 2 बार से लॉकडाउन चल रहा है, आम जनजीवन बिल्कुल अस्त से व्यस्त हो चुका था। 6-6 से 8-8 महीने तक लोगों की सैलरी नहीं थी, काम नहीं था, स्कूल बंद थे, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, और जैसे ही अब जीवन सामान्य होने लगा है मोनिका, तो ऊपर से अब ये भारत बंद का जो इन्होंने आह्वान कर दिया है, और गाजियाबाद में हालांकि इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आम जनता, आम पब्लिक इसमें जरूर पिस रही है। मोनिका, शुक्रिया आपका अरुण, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुँचवाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस
any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.